तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है लेट्स हैक द प्रोग्रामिंग। तो आज हम इस चैनल पे क्या बताना चाहते हैं, जैसे कि आप हमारे चैनल पे इथिकल हैकिंग की वीडियोस रेगुलरली देख रहे थे, अगर आप नहीं देख रहे थे तो आपको आई बटन पे उन वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आई बटन पर जाके इथिकल हैकिंग के जरूर देखें। और सेकेंड, हमारे चैनल पर जो था कि हम GTA 5 के गेम प्ले की भी वीडियोस डाल रहे थे, तो गेम प्ले हम क्यों डालते हैं, क्योंकि GTA 5 एक बहुत ही पॉपुलर गेम है जो कि ओपन वर्ल्ड गेम है। इसमें हम कुछ मर्जी कर सकते हैं और इनके मोड्स को लेकर हम वीडियोस आज डालने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली जिनके पास GTA 5 आई थिंक उनको नहीं पता होगा कि GTA 5 में मोड्स और स्क्रिप्ट्स बहुत सारी हैं जो इसके व्हीकल को लेकर बिल्डिंग तक सब कुछ चेंज कर सकती है। मतलब जो कि वही GTA 5 पुरानी गेम्स खेल रहे हैं, वही बिल्डिंग्स, वही व्हीकल्स, उन सबको खेल खेल के बोर हो चुके हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इन वीडियोस में आज हम बात करेंगे कि आज हमने GTA 5 में अपनी KTM बाइक को इंपोर्ट किया है। मतलब जो आप डेली अपनी जो लाइफ है, डेली लाइफ में व्हीकल्स वगैरह बिल्डिंग्स देख सकते हो, उसको टोटली आप GTA 5 में इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब वही आपको रियलिस्टिक गेम का मजा आएगा अपनी GTA 5 में। आप कोई सा भी व्हीकल अपने GTA 5 के अंदर ऐड कर सकते हो। आपको आपका सबसे फेवरेट व्हीकल कौन सा है, आप उसके लिए मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसी व्हीकल के लिए आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा कि आप उस व्हीकल को GTA 5 में कैसे ऐड कर सकते हो। लाइक फॉर्चूनर कार, फरारी, KTM, बहुत सारी ऐसी कार्स एंड बाइक्स हैं जिनको आप अपने GTA 5 में इम्पोर्ट कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे KTM को लेकर कि हमने KTM अपनी GTA 5 में कैसे इम्पोर्ट किए। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जैसे कि हम अपने GTA 5 के अंदर आ चुके हैं और GTA 5 में हमने KTM बाइक को इंपोर्ट किया है, तो KTM बाइक को हमने सीधा जो कि हमारी बिल्डिंग की छत पे उस पर उतारा है। हम बिल्डिंग की छत से उसको जंप करा के देखेंगे कि उसकी स्पीड और ग्राफिक्स कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारी GTA 5 की जो KTM बाइक थी वो हमारी छत पे आ चुकी है, हम यहाँ से इसको जंप कराएंगे। तो हम जंप करा रहे हैं और ये नीचे हम आ चुके हैं और आप देख सकते हो KTM बाइक जो है वो फुल स्पीड पे चल रही है। हम इसको जितनी स्पीड पे चला सकते हैं उतनी स्पीड पे चला के देखने वाले हैं। तो ड्राइविंग यहाँ पे ओ भाई बच गए, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लूँगा जो कि बिल्कुल फुल स्पीड में होगा और देखते हैं कि KTM बाइक जो है उनको ओ भाई निशाना बांध रहा था इधर लगे। चलो कोई ना, अब दोबारा हम इसको देख सकते हैं कि KTM बाइक जो हमारी है वो देखने में कैसी लग रही है GTA 5 के अंदर। तो अब हम चलते हैं आगे। तो हम इसको चलाएंगे फुल स्पीड में भाई, और जो इसका मजा था वो देख, ओ भाई मैं कह रहा हूँ खतरनाक बाइक है भाई, खतरनाक। यहाँ से टर्न लेंगे और देखते हैं फुल स्पीड में एक, ओ भाई मस्त है KTM भाई, इतनी मस्त चल रही है, इतनी स्पीड में चल रही है GTA 5 में और विदाउट किसी लैग के। ओ भाई देख के। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो कि हम इसको कैसे ऐड करेंगे अपने GTA 5 में, तो आप कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट आएगा तो मैं इसके वीडियोस डाल दूंगा अपने चैनल पे कि हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी KTM बाइक में जो आग लगने वाली है, हम इसको देखेंगे कब तक कितनी स्पीड पर चल सकती है और इसमें कब आग लगेगी। और इसके बीच में अपना जो मैंने ट्रेनर इसमें रख रखा है उसका भी आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा कि उसमें स्टंट जब हम करते हैं, अगर उसको ऑन या ऑफ करते हैं ग्रेविटी सेंसर को, तब हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो ट्रेनर था उसको ओपन करूँगा थोड़ी देर में। जैसे मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे एक जो ग्रेविटी का होता है ऑप्शन की वो ऑन रखनी है ऑफ रखनी है, तो उसको ऑन ऑफ करने के टाइम हम स्टंट करेंगे। और जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया है, जब भी हम यहाँ पे स्टंट करेंगे, ओ देखो भाई बाइक कितनी ऊपर तक जा चुकी है और मतलब घूमते घूमते नीचे। अभी हम इसको डिसेबल करते तो KTM के अंदर जो भाई आग लगने वाली है थोड़ी देर में। और अगर आप इसको भी देखना चाहते हो कि हम इस ट्रेनर को कैसे मतलब इसमें इंस्टॉल करेंगे GTA 5 में, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। बस आपका जो मेन मोटिव है कमेंट करना है कि आपको किसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। और सेकंड, मैंने काफ़ी बार देखा है हमें इन अपने इस चैनल पे
रिस्पांस तो अच्छा मिला, मतलब वीडियोस हमारी काफ़ी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बट जो मेन रीज़न है वो इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मतलब जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं कि वीडियो सब देख रहे हैं, बट वीडियोस को देखने के बाद सब्सक्राइब ब्रो आप बेल आइकन नहीं दबाते। तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करोगे तो मतलब आपको इसका वीडियो की अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको जब मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ उसी टाइम आपको मिल जाएंगे कि मैंने कौन सी वीडियोस कब और किस टाइम अपलोड किया। तो उनको अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाएगी। तो हमारी यहाँ KTM बाइक थी जो भाई बिल्कुल जल चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे बार बार कहता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी एक बार प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।